Πες μην είχε κλαδράσει τα ίντερνετ, δεν είμαι εδώ. Θα πάω και πέρα. Το μέγα, θα έρθει κάποιο τα Μέχρι και λίγο μου τα είχε φάρει πέρα. Μέχρι την ουρία σου να έχω και πέρα σε μία ρέτη Μια πέμπω τόρτς λέγε κοίνη γούντα, σύντρα खुद ही ढूंढनी पड़ती है हमें हिंदुस्तान में कि इतने खाली लोग मिल जाए मस्त जगह रहते यार तुम लगता हा? इतनी दूर आए हो टैक्स देने शर्म नहीं आ रही है वहां लोग बोलते लंदन में मजे कर रहे साले बर्तन धो रहे हैं सही बात है हम तो कमाई नहीं रहे हम तो चुतिए फिर रहे हिंदुस्तान हमारा डिश वॉशर भी कोई और चला रहा किसी के मन में कोई बात है मन में रख ली ठीक है मुझे डिस्टर्ब नहीं करना लाइव शो का मतलब ये नहीं है कि हम बातें करेंगे हम नहीं करेंगे ठीक है शो ऑलरेडी बहुत लंबा है मेरा तो फटाफट शो करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है वेन्यू को 1000 रुपये और दो बार करते रहो ठीक है ये बाहर से ताला मार के सबको ही छोड़ जाएंगे हमें और फिर मैं तुम्हें फनी मिल लगूंगा 2 घंटे बाद ठीक है तुम ही मारोगे मुझे पकड़ के ठीक अरे कहाँ जेब चली गई चीटिंग से करियर बनाया मेरा मैंने मतलब ये एक्चुअली मैं अभी भी अंदर बैठ के ये यूरोप की बच्ची होती है बस जो मेरे साथ पिछले 1 महीना सो रहा है मुझे आखिरी शो इसके बाद इंडिया का तो कर नहीं पाऊंगा ये सब चलो मतलब रहते तो मजा आएगा तुम लोग हाँ हो गया मुझे भी 1 महीना अब तो यूरोप और यूके यहाँ जैसा भी मतलब पढ़े हैं कहा था ना मन में रखनी बात अभी वही ट्राई कर रहा था कि कौन चूते निकलेगा इतनी दूर आ गए हो वीजा लगवा के भाई कुछ तो यहाँ भी वही फील आ रही है कि गुड़गांव में भाई जो सच है सच है तू समुद्र के रास्ते से आया बाकी सब तो लग रहे हैं वीजा वाले ठीक है मतलब हाँ जगह तो बढ़िया लगी मुझे काफी बस थोड़ा सा मौसम को बता दो कैसे रहना होता है बाकी सब परफेक्ट है यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा घर से क्या पहन के निकलना 1 महीना हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा शर्ट पहन के निकलूं हुडी डाल लूं नंगा भागूं करूं क्या बारिश थोड़ा सा टाइम लेती है पहले बताती है कि मैं होने वाली हूं फिर हो जाती है यहां बताई नहीं है कुछ भी यहां नहीं हो रही है यहां हो रही है मेरी चलते चलते सिगरेट बुझ गई तो मैं एम्स्टर्डम आया तो एम्स्टर्डम बहुत बढ़िया जगह है सुनाई था आपने तो वहां जाके होता था ना एक तो पूरे एम्स्टर्डम में मुझे कोई नहीं पहचान रहा मुझे और भी मतलब बहुत खुश था इस बात से कि चलो मस्त घूम रहे हैं कोई इंडियन नहीं मिला पर मैं सोचता 3 शो बिके हुए हैं आएगा कौन शो ऐसा तो ना किसी ने मेरा कार्ड दिया है भाई मैं रेड लाइट एरिया में खड़ा होकर कुछ तो निहार रहा हूँ साइड में से एक बंदा कह रहा सर बिग फैन में कोई जगह है पहचानने की यार हमारी सेल्फी में वो लड़की आई है जिसे देख रहा था मैं बस जगह है चढ़ा भाई सब वो कोई मिलने वाला स्कूटर ले घूम रहे वो पहली बार मेरे साइड से निकला मेरे मुंह से निकले मैंने जादू और लंदन में तो सारे लाइसेंस मांग रहे हैं उसके लिए उससे किस में टक्कर मार दूंगा मैं और टक्कर मार भी तो चोट किसे लगेगी मुझे ही ना मेरा मुंह तुड़वाने के लिए कौन सा लाइसेंस है मैंने चला के देखा उसे हल्का सा चौड़ा नहीं बना सकता था वो
और दोनों पैर रख लेता मैं ऐसे, ये खड़ा है उस पर बैलेंस नहीं बना मुझसे तो ठीक है। एम्स्टरडम में भाई किसी के वहाँ बुड्ढे भी नशे कर रहे हैं, वहाँ मैंने देखे बुड्ढे बुढ़े लोग माल फूक के भाग रहे सड़क पे, उनके कोई कैल्शियम की कमी नहीं हो रही एक तो मुझे वहाँ पे भी मैंने हल्का सा फूका, मुझे पता चला कि इंडिया में तो बूट पॉलिश ही दे रहे हैं एम्स्टरडम के आगे कोई जगह थी वहाँ पे सुंदर सुंदर सी विंड मिलती है, वहाँ पे हमने फूका, मैंने तो इतना सही फूका था तो पहले तो विंड मिल बंद थी वो, फिर जो वो घूमी ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे एक साथ घूमने वाले मजा आ गया। बैग की चोरी हो गया हमारा, पहले दिन हो गया था आते ही वापस मिल गया, पासपोर्ट मिल गया, लैपटॉप मिल गया, वो आदमी सिर्फ कैश लेके चला गया। डायरी तो मेरे पास, मेरा बैग नहीं था, अंकुर भाई का बैग चोरी हुआ, अंकुर भाई पे डायरी नहीं थी, रहती गंदा था उसमें और चोरी मतलब ट्रेन में चोरी हुआ, एम्स्टरडम से हम फ्रैंकफर्ट जा रहे थे शो करने, तो पहले स्टेशन पर चोरी हो गया, तो फिर चोरी भी क्या हो गया यार, हम बैठे हुए यहाँ से ले गया बंदा हमें, बहुत देर तक तो समझ में नहीं आया कि चोर होशियार है कि हम फुद्दू हैं, यहाँ से कौन चोरी करके ले जाता है यार। वो तो एक घंटे बाद अंकुर भाई ऐसे बोले कि थोड़ा रद्दी गंदा हो जाए, फिर उन्होंने देखा तो नरेंद्र जी नगंदा जा चुका था सब कुछ। एक तो चोरी जहां हुआ ना, पहले स्टेशन पर चोरी हुआ एम्स्टरडम से निकलती, और हमसे उस स्टेशन का नाम ही नहीं लिया जा रहा, हम यही नहीं पता हमारे चोरी का हुई है, हम कह रहे इन द ट्रेन फर्स्ट स्टेशन टीटी आया, भाई टीटी की शक्ल देख रहा, इतनी चुराया रूम और बेइज्जती रख सकते, रूम सर्विस के नाम पे क्या दे रहे हैं रूम। मैंने नीचे फोन किया, मैंने कहा पानी पीना, कह रहा वॉश बेसिन से पी लो, मैं कुत्ता हूं मैं